हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हम सभी लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज जो रेसिपी होने वाली है वो है चटनी की, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और इंडियंस को चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज की जो चटनी है वो है टमाटर की, जो कि साउथ इंडियन चटनी है। ये चटनी हम इडली, डोसा, सांभर, रोटी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ चटनी होती है और काफ़ी टाइम तक ये स्टोर करके आप उसको रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना आज की टमाटर की चटनी। तो मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाल दी था ऑयल। उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने अदरक, लहसुन, सूखी लाल मिर्ची और यह है चने की दाल। इसकी जगह आप सूखे भुने हुए जो चने होते हैं ना, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर ले लिए 8 से 10 टमाटर कटे हुए, एकदम खट्टे वाले, जो देसी टमाटर होता है। तो जो चने की दाल है उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको हमें बहुत ही स्लो आँच में एकदम फ्राई करना है, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आप भुने हुए चने ले रहे हैं तो उसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप बिना भुने भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो चने की दाल थी वो अच्छे से भुन चुकी है। उसके ऊपर से हम डाल देंगे सूखी लाल मिर्ची, उसको भी थोड़ा सा देर फ्राई कर लेंगे, इसको भी थोड़ा सा करारा सा होने देंगे। उसके बाद हमें लहसुन और अदरक दोनों को एक साथ इसमें डाल देना है, इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। और ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है, इसको आप काफ़ी दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मेरे सारी चीज़ें चली गई हैं, अब मैंने डाल दिया है इसमें टमाटर, और टमाटर को अच्छे से मैसी होने तक हमें इसको ढककर के पकाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, नमक को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसे हमें ढक करके मीडियम फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, जब तक टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे, उसके बाद ही हमें इसे हटाना है। तो टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके थे, इसको हम ठंडा होने देंगे और मिक्सी के जार में डाल करके इसको पीस लेंगे। मैंने अभी इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, उसके बाद ही पीसा है। आप देख सकते हैं चटनी का पेस्ट बन गया, बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बारी आती है हमारे तड़का लगाने की चटनी में, और उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो हमने पैन रख दिया है, यहाँ पर रिफाइंड या सरसों का ऑयल कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है काली सरसों। काली सरसों आप चाहे छोटे दाने वाली ले लें, चाहे मोटे दाने वाली ले लें, दोनों चलेगा। और सूखी लाल मिर्ची डाल दी है दो, और साथ में करी लीव्स डाल दिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, मेरे पर ड्राई था तो मैंने उसे ही डाल दिया है। अब चलते हैं तड़का लगा लेते हैं। तड़का लग चुका है, देख के कितनी सुंदर लग रही है चटनी, और चटनी बनके एकदम रेडी है। बहुत ही इजीली बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है। अगर आप सब्जी खा के बोर हो गए हैं तो आप इस चटनी के साथ रोटी या पराठा कुछ भी खा सकते हैं। चटनी बनने में भी बहुत इजीली बन जाती है और खाने में तो टेस्टी होती ही होती है। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो उस चटनी के साथ खाएंगे तो आप 4 रोटी बेशक खाएंगे। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।